वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे एएसआई की टीम ने शुरू कर दिया है। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हिंदू पक्ष ने जहां सर्वे में सहयोग की बात कही है, वहीं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज के आदेश के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला देकर सर्वे की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को राहत दे दी है। एएसआई का सर्वे जारी रहेगा, लेकिन कोर्ट के मुताबिक किसी तरह की खुदाई नहीं होगी। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक हफ्ते तक खुदाई नहीं होगी, अभी सिर्फ पैमाइश की जा रही है, केवल मैपिंग, वीडियोग्राफी और इमेजिंग की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि आप सुनिश्चित करें कि वहां पर कोई खुदाई ना हो। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से यह भी पूछा कि वो इसके खिलाफ हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे जारी है। न्यू के आसपास के ईंट पत्थर के टुकड़े सैंपल के तौर पर ले लिए गए हैं। सभी जगह की फोटो ली जा रही है। पूरे परिसर की नापजोक की गई है। कुछ मशीनों से दीवारों को स्कैन भी किया गया है। साथ ही दीवारों पर कागज लगाकर उनका सैंपल भी लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक 43 सदस्यीय एएसआई टीम ने शुरुआती 2 घंटे में पूरे ज्ञानवापी परिसर की पैमाइश कर ली है। वजू स्थल को छोड़कर परिसर के हर पत्थर और ईंट की ऊंचाई नापी गई, दीवारों की फोटो और वीडियोग्राफी कराई जा रही है। गौरतलब है कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज्ञानवापी से सील वजू खाने को छोड़कर बाकी परिसर का एएसआई सर्वे से सर्वे कराने का आदेश दिया था। रविवार की रात दिल्ली, पटना और आगरा से एएसआई की टीम वाराणसी पहुंच गई थी। सोमवार की सुबह 6:30 बजे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की 30 सदस्यीय टीम ज्ञानवापी पहुंची। इस दौरान हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के लोगों के साथ परिसर का वैज्ञानिक सर्वे शुरू कर दिया गया है। एएसआई की टीम मस्जिद की दीवारों पर अंकित कलाकृतियों, नींव और पूरे स्ट्रक्चर का अवलोकन करेगी, साथ ही साथ इसकी वैज्ञानिक तरीके से जांच भी करेगी। हिंदू पक्ष ने सर्वे में सहयोग करने की बात कही है। आधुनिक है और साथ में देश के ही बहुत बड़े बड़े विद्वान उसमें आए हुए। यहाँ तक श्री राम जन्मभूमि के जो डॉक्टर उसमें जांच के मलि जी थे, उनसे मार्गदर्शन भी लिया गया है। और हम ये नहीं बता पाएंगे आए हैं या नहीं आए हैं, लेकिन कल उनसे मार्गदर्शन लिया जा रहा था। और रुड़क यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटियों के सारे जो है विद्वान सर्वे के सबके सब उपस्थित हैं। 30 से 40 है। सारे आधुनिक मशीन हैं, विदेशों से मंगाई गई मशीनें हैं। जो श्री राम जन्मभूमि था उससे आधुनिक मशीनें हैं। और फिर बता रहे हैं कि यह सब कुछ होने के बाद जो स्ट्रक्चर है उसको कोई भी क्षति न पहुंचे, यह भी दिशा निर्देश दिया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा, और उसका पालन होगा। वहीं मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हवाला दिया था और यह भी आरोप लगाया था कि उनका पक्ष सुने बगैर सर्वे का आदेश जारी कर दिया गया था। सर्वे को देखते हुए वाराणसी में हाई अलर्ट है। ज्ञानवापी मस्जिद और श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। बहुत ही दिन अहम है। आज से स्वयं महादेव अपना सत्य उजागर करने लगेंगे। ये काशी नगरी है और यहाँ की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं और महादेव ही चलाते हैं। तो महादेव स्वयं अपना सत्य आज से माँ सिंगार गौरी अपना शुरू कर देंगे। खुद सत्य जो पहले का सर्वे था, आज हम लोग की आस्था के साथ विज्ञान भी जुड़ जाएगा। यूपी न्यूज 9 के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट।